दिल्ली के शिक्षा मंत्री सीधे लिए चलते मनीष सिसोदिया, शुरू की जाए पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाए और खास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाए। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे शुरू की थी वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6वीं से 12वीं के स्कूल खोले हैं, बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर, स्कूल के जो टीचर्स हैं भैया वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए? एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है? जब हमने कॉल आई थी तो हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुके उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकेंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है, उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर, जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगी। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफॉरसीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकते हैं और उसमें डिसीजन। सर, क्या स्कूल में वैक्सीन लगेगी क्या? वैक्सीन नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। सर, इसमें दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ किस तरह से चलेंगे? मतलब टीचर का ये कहना है कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रही है, देश भर में चल रही है। सर, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कहा जा रहा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा, बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज द टाइम, वी हैव टू पुश द बटन,
एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है, और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा, जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा। थैंक यू। तो दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए सख्त गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने वो तमाम गाइडलाइंस का भी जिक्र कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन बच्चे अब 1 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। बच्चों को कोरोना का खतरा बेहद कम है, ये भी कहा, और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत सख्ती से करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और ये स्कूल खोलने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से दिल्ली सरकार गुजरी है, जो जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया। पेरेंट्स से बात हुई है, टीचर्स से बात हुई है, एक्सपर्ट से बात हुई है, और उसके बाद जब सभी ने हामी भरी उसके बाद लंबा चौड़ा उस पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, और विचार करने के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो भी चलेंगी, लेकिन स्कूल भी खोल दिए गए हैं, और 1 सितंबर से ये फैसला किया गया है। छठी से आठवीं के लिए अलग और नौवीं से बारहवीं के लिए, लेकिन उसके बाद अब स्कूल दिल्ली में कोरोना के इस खतरनाक काल के बाद अब खोलने का फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है। दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, खबर पंजाब कांग्रेस की है। पंजाब कांग्रेस में कलह कथा का अंतिम अध्याय फिलहाल अभी दूर लग रहा है। आलाकमान के कहने पर सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए। घुमा फिरा कर सिद्धू ने कहा, फैसले लेने की छूट नहीं मिलने पर वो ईंट से ईंट खड़का देंगे। अब ये चेतावनी किसके लिए है, कैप्टन या कांग्रेस? तो हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं, उनके चौके छक्कों को हमारी पार्टी अच्छी तरह से झेल लेगी, संभाल लेगी। और आज भी मैं हाईकमांड में एको गल कह गया है कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खड़ा, क्योंकि निर्णय लैण तो बिना कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पार्टी अध्यक्ष हूँ, हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की, पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं, और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात खत्म, बिल्कुल निपटेंगे, और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नज़दीक होते हैं तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं। लेकिन इसी पंजाब की कांग्रेस कलह कथा के नए नए पन्ने भी खुल रहे हैं। सिद्धू कैप्टन के युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। दूसरे दलों को मुद्दा मिला तो वो खामोश क्यों बैठेंगे, आरोप लगाने शुरू। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से
आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है, सिद्धू जी ने खुद कहा था। मैं उनके उस बयान को इससे जोड़ करके नहीं देखता, यदि कोई बयान दिया है और सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयान है उस पर यदि मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज आपके इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयान है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है।